हमारी प्रजाति होमो सापियंस पृथ्वी पर इवॉल्व होकर एग्जिस्ट करने वाले नौवीं और सबसे कम उम्र की मानव प्रजाति है। अन्य 8 एंशिएंट मानव प्रजातियों के जीवन एक कहानी बताते हैं कि कैसे मनुष्य धीरे धीरे अन्य बानरों से दूर हो गए और पृथ्वी पर विकसित होने के लिए प्रतीकात्मक कार्य करने की क्षमता विकसित किए। सो दोस्तों, ह्यूमन इवोल्यूशन के पहले वीडियोस में हमने पृथ्वी पर मानवों का विकास कैसे शुरू हुआ था उस विषय में डिस्कस किए थे। सो आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट मानव प्रजाति हैंडीमैन होमो हैबिलिस के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 1960 रिसर्चर्स की एक टीम ने तांजानिया में एक प्रारंभिक मानव के फसिल अवशेषों की खोज किया। इन जीवाश्मों की ब्रेन की साइज बानरों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। जिस जगहों पर इन एंशिएंट मानवों की जीवाश्म मिले उसी जगहों पर हजारों की संख्या में पत्थरों से बने हाथ के औजार मिले, जिससे वैज्ञानिकों को संदेह हुआ कि उन पत्थरों से बने औजारों को वही एंशिएंट मानवों ने विकसित और इस्तेमाल किया होगा। इसी कारण वैज्ञानिकों ने इस मानव प्रजाति को हैंडीमैन होमो हैबिलिस से नामित किया। ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस मानव प्रजाति लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर विकसित हुए थे और जीनस होमो की ऐसा पहला सदस्य थे जो बानरों से विकसित हुए थे। होमो हैबिलिस मानवों का साइज छोटा हुआ करता था। इनका वजन 70 पाउंड, ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी और हाइट 3.5 से 4.5 फीट तक हुआ करता था। इनके पैर और पैर के हड्डियों की विशेषताएं दर्शाती है कि ये प्रजाति दो पैरों पर चलती थी। ये प्रजाति बहुत ही जटिल उपकरण बनाते थे जिसमें जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के चौपर और स्क्रैपर्स भी शामिल थे, जिसे प्रागैतिहासिक काल की मोड 1 टेक्नोलॉजी कहा जाता है। होमो हैबिलिस मुख्य रूप से घास के मैदान वाले वातावरण में रहते थे। उस समय की जलवायु ठंडी और शुष्क होती जा रही थी, जो विकास के लिए पृथ्वी पर नई रणनीति बना रही थी, जिसमें स्कैवेंजिंग जैसी नई फीडिंग स्ट्रेटेजीज और पत्थर से बनी हाथों के हथियार शामिल थे। हैरान करने वाली बात यह है कि केमिकल एनालिसिस से पता चलता है कि ये प्रजाति पूरी तरह से शाकाहारी थे, लेकिन होमो हैबिलिस अपने डाइट में मांस भी खाया करते थे। हालांकि होमो हैबिलिस करीब 10 लाख वर्षों तक हमारे जीनस के एकमात्र सदस्य बनकर पृथ्वी पर रहे, लेकिन करीब 1.65 मिलियन वर्ष पूर्व बदलते हुए पृथ्वी की कंडीशंस में इनकी लिविंग स्ट्रेटेजीज और तकनीक विकसित और अनुकूलित नहीं हुई, जिसके कारण ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।